नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या एलियन सच में होते हैं, और अगर वो है तो उनका जीवन और ग्रह कैसा होगा। फ्रेंड्स, दुनिया के आज तक के सारे बड़े साइंटिस्ट ने इस ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी को कभी भी नकारा नहीं है। और अगर आप इस अविरत ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको भी लॉजिकली ये लगने लगेगा कि इस ब्रह्मांड में एलियन की मौजूदगी होनी ही चाहिए। यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा भी कई और जगहों पर लाइफ है। इसे प्रूव करने वाले समीकरण को ड्रैक इक्वेशन कहा जाता है। ये इक्वेशन एक एस्ट्रोनॉमिकल समीकरण है जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन करके हमें ये बताता है कि अकेले हमारी गैलेक्सी में ही करोड़ों जगह पर जीवन के पनपने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। और अगर हम आउट ऑफ गैलेक्सी की बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तो अरबों जगह पर एलियन की मौजूदगी होगी ही होगी। लिहाजा ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कई और जगहों पर जीवन के पनपने की संभावना 100% सच है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि ब्रह्मांड में कई और जगहों पर जीवन अगर है तो किस रूप में होगा। कुछ समीकरण बताते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन अविकसित या अल्पविकसित स्तर पे होगा, मतलब कि हम इंसानों के मुकाबले कम विकसित जीव, और कुछ जगहों पर अतिविकसित जीवन भी हो सकता है। हो सकता है कि वो हमारे ही गैलेक्सी के कई दूर दराज के छोर पे मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि वो जीव हम पृथ्वीवासियों की तरह H2O यानी पानी पे निर्भर ना हो बल्कि H यानी हाइड्रोजन पे निर्भर हो। हो सकता है कि उन एलियंस के ग्रह पर हाइड्रोजन की नदियां, समुंदर और तालाब हो, या हाइड्रोजन ही क्यों, उसके अलावा भी कई और एलिमेंट्स पे भी वो निर्भर हो सकते हैं। और संभावना तो ये भी है कि वो नाइट्रोजन पे जिंदा रहते हो। नाइट्रोजन भले ही पृथ्वी पे एक गैस के रूप में मौजूद है, लेकिन -196°C पे नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और शायद उन एलियंस के ग्रह का तापमान 196°C से भी कम हो, वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का भंडार हो और वो जीव लिक्विड नाइट्रोजन पे जिंदा हो। ऐसे ग्रह का टेम्परेचर हम इंसानों के लिए तो जानलेवा होगा, लेकिन शायद उन जीवों के लिए वो एक वार्म और जीने लायक स्थान हो सकता है। हम इंसानों की बायोलॉजिकल उत्पत्ति कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलकर हुई है, जैसे कि पानी जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मौजूद है, उसके बाद फॉस्फरस, सोल्ट, आयन, कार्बन और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स। अगर मान लो कि एलियंस प्लेनेट पे कार्बन किसी और तत्व के साथ मिलकर जीवन के गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ के जीवों का दिखावा, सोच और समझ सब कुछ हमसे भिन्न होगा। एक और भी संभावना है जो बड़ी विचित्र है। इस ब्रह्मांड में कई जगह पर हम इंसानों की तरह सिविलाइज या हमसे भी कई गुना ज्यादा विकसित जीव मौजूद हो सकते हैं। रशियन साइंटिस्ट निकोलाइस कार्दोसेव ने तो इस पर पूरे के पूरे रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं। कार्दोसेव के मुताबिक यूनिवर्स में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इन तीन प्रकार की विकसित सभ्यताएं हो सकती है। टाइप 1 सभ्यता वो है जो अपने ग्रह पर मौजूद सभी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करती हो। यह सभ्यता अपने ग्रह पर पड़ने वाले समस्त सूर्य प्रकाश को या उसके मातृतारे के संपूर्ण प्रकाश का उपभोग करती हो। टाइप 2 के लेवल की सभ्यता टाइप 1 से 10 अरब गुना ज्यादा विकसित होगी। इस सभ्यता को अपने ग्रह पे धूमकेतु के टकराव का, हिमयुग का या किसी उल्कापात का भी भय नहीं होगा। इस लेवल तक पहुँचने वाली सभ्यता अपने ग्रह पे आने वाले बाहरी संकट को बड़ी आसानी से निवार सकती है। इस तरह की सभ्यता उस स्थिति को प्राप्त कर लेती है कि उसका खत्म होना अब लगभग नामुमकिन हो जाता है। टाइप 3 के लेवल तक पहुंच चुकी सभ्यता टाइप 2 से भी लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सभ्यता अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपभोग कर सकती है। इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी कि वो अपने आसपास बसे ब्लैक होल की ऊर्जा का भी उपयोग कर सके। यह सभ्यता स्टार ट्रेक मूवी की बोर्ग सभ्यता या स्टार वॉर की एम्पायर सभ्यता के जैसी होगी। ये सभ्यता अपने मातृग्रह को छोड़ के भी कई और सैकड़ों ग्रहों पर पहुंच के उस पर विचलन कर सकती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम पृथ्वीवासी टाइप 1 की सभ्यता तक भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कार्दोसेव के गणित के मुताबिक हमारा लेवल अभी 0.3 तक है, लेकिन आज हम जिस तरह खोज और ऊर्जा की खपत में आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत जल्द ही टाइप 1 के लेवल को पार कर लेंगे। हम अभी तक अपने ग्रह की एलिमेंट्स की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और अपने मातृतारे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना हमने अभी अभी सीखा है, लेकिन टाइप 0 से टाइप 1 तक पहुंचने का ये सफर बहुत ही खतरनाक होता है। शायद कुछ ही सभ्यता इसे पार कर जाए, क्योंकि इस चरण में सांप्रदायिकता, कट्टरता और वर्गभेद अपनी चरम सीमा पे होते हैं।
और ब्रह्मांड की ज्यादातर सभ्यताएं इसी चरण में अपने आप को खत्म कर देती है या यूं कहे कि सुसाइड कर देती है। लेकिन किसी तरह हम इंसान इससे उभर कर अपने आप का विकास कर पाए तो इस ब्रह्मांड की विकसित सभ्यताओं के चरण तक पहुंचने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा। ब्रह्मांड की विकसित सभ्यताओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।